एक तरफ कोरोना महामारी के कारण लोगों के पास काम ना होने के कारण रोजी रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है, वहीं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 25 सालों से ठंडे मीठे जल की शिबील और लंगर लगा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 6वीं बादशाही श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के गुरुद्वारा छिहाटा साहिब की। इस गुरुद्वारा की महत्वता ये है कि बेअला दंपत्ति 12 पंचमी को इस गुरुद्वारा में सरोवर में स्नान करें तो उस दंपत्ति को श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी की कृपा से संतान की दात मिलती है। इस अवसर पर SDO बिजली बोर्ड बलजीत सिंह, अरिजीत सिंह, हरभजन सिंह, प्रिंस और सुखबीर सिंह मौजूद थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। तुहानू ये जान के बड़ी खुशी होगी कि सारे भैन भरा पहला तो पता सी भी करोना 1.5 साल तो चल रहा है। असी तो श्री हरगोबिंद साहब गुरु हरगोबिंद साहब की विसाई नगरी शबील लाई दी है तो लंगर लाई दा। 1.5 साल करोना होने करके रूटीन में टुट गई सी, महाराज कृपा करके करोना हम बिल्कुल घट गया, इस करके फिर अपनी परंपरा शुरू कर लगे हाँ। यो अरदास करते हैं कि महाराज गुरु हरगोबिंद साहब सारी दुनिया में सुख दो, करोना खत्म करो, कई नजायज जी चले गए ने, कृपा करो छेवीं पातशाह जी ता करोना बिल्कुल खत्म, सारी दुनिया में सुख का साह आए। तो असं ये शबील अपने वालों बलजीत सिंह SDO अपने साथियों के साथ नाल संगना सारे इकट्ठे हो गए निभा रहे हैं। कृपा करो, साढ़े मेहर करो। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये असी सारे बिहार वालों प्यार सदका असी कई सालों तो इतने लंगर का छबील का प्रबंध किया, पर 2 साल 1.5 साल करोना करके असी नहीं कर सके। महाराज की खुशियां जान वैसे हर महीने पैंचवीं लगती है, तो ऐसा सानू मौका मिलया गुरु की खुशी लैन वैसे लंगर के छबील का प्रोग्राम किया। असी यो चाहते हैं भी नौजवान बच्चे पीढ़ी अगे आन, पहले असी करते होंगे सारे परिवार तो हम नौजवान बच्चे असी आख्या भी तुम हम पीड़ा करो, असी थोड़े नाल साथ देवे, असी बड़ा दसन दसागे। तो गुरु महाराज बहुत बहुत खुशी लैने पे कई सालों तो पिछले असी दीपमाला रात हर साल दीपमाला होंगी है, हम प्रण किया भी असी दसा गुरुआ के दिहाड़े मनाया करिए।